Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Siksha Rajasthan. Let's start the class. Hello friends and my dear students, आज हम क्या सीखेंगे? EVS, fifth class का EVS का first chapter understanding relation. रिलेशन यानी आज हम आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेशन क्या है, रिलेशन यानी हम आपस में किस कड़ी से जुड़े हुए हैं, वो है सबसे पहले फैमिली. फैमिली यानी जो छोटा बच्चा होता है वो दुनिया को नहीं जानता, वो क्या जानता है, सिर्फ अपनी फैमिली. फैमिली में भी जैसे मम्मी पापा दादाजी दादाजी दादी जी इन सब के बारे में जानता है कि ये मेरे मिलने वाले हैं, ये मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, ये मेरे अपने हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली मतलब क्या होता है. व्हाट इज ए फैमिली? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो ग्रुप बना के रहते हैं आपस में और साथ में रहते हैं उसे कहते हैं फैमिली. फैमिली में हमारे क्या क्या आते हैं? पापा मम्मी दादाजी दादी जी बुआ ताऊ जी अंकल आंटी, ये सब हमारे किसमें आते हैं? फैमिलीज में. फैमिलीज यानी आगे से आगे बढ़ती जाती है, जैसे पहले आपके दादाजी थे, फिर आपके पापा आए, फिर आप आए, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहता है, इसी हम कहते हैं फैमिली. आइए हम फैमिली का चार्ट बनाते हैं. फैमिली का चार्ट इस तरीके से, फैमिली दो भागों में डिवाइड कर दिया, ग्रेट ग्रैंड फादर यानी पर दादाजी, ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पर दादी, उसके बाद है ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर के बाद आएगा ग्रैंड फादर यानी आपके दादाजी, यहां पे आएगा ग्रैंड मदर यानी दादी जी, फिर उसके बाद आ गए फादर यानी आपके पापा, मदर यानी आपकी मम्मी, उसके बाद आ गए आप खुद आएंगे सेल्फ. सेल्फ ठीक है, यानी कि देखिए इस चार्ट में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादाजी थे, उनके बाद आए आपके दादाजी, उसके बाद आए आपके पापा और उसके बाद आप खुद, अब इसके बाद आएंगे आपके खुद के बच्चे. इसी तरीके से ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पर दादी जी, उसके बाद आए दादी जी, फिर मदर, फिर आप खुद और फिर आपके बच्चे. इसी तरीके से ये फैमिली कंटिन्यू होती रहती है. इसमें और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके अंकल आंटी बुआ जी ताऊ जी, सब बहुत से मेंबर्स होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, इसे ही हम कहते हैं फैमिली. फैमिली ये बहुत बड़े लोग बड़े ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं फैमिली, इसमें काफी लोग होते हैं. अब इसे हम और देख लेते हैं. फैमिली यानी आप अब समझ ही गए होंगे कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उसे मिलकर जो बनते हैं ग्रुप ऑफ पीपल उसे हम कहते हैं फैमिली. अब फैमिली कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली दो तरीके की होती है, यानी कि फर्स्ट होती है जॉइंट फैमिली एंड अदर वन इज न्यूक्लियर फैमिली. ये दो फैमिलियां अलग अलग तरीके की होती है, पहले थी जॉइंट फैमिली और अब है न्यूक्लियर फैमिली. दोनों फैमिलीज की एक तरीका है. जॉइंट फैमिली यानी वो फैमिली जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है, यानी
सब साथ में मिलके रहते हैं। दादाजी, दादी जी, बुआ जी, अंकल, आंटी, आप, आपके मम्मी पापा, ये सब जब साथ में मिलके एक घर में रहते हैं उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटी फैमिली जो आजकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और अदर चीजों की वजह से न्यूक्लियर हो गई, यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे अलग सिटी में जाके रहने लगे, इसी तरीके से न्यूक्लियर फैमिली और बन गई। इसी के बारे में हम और देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है ना बच्चों? सीखें न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन आर लिविंग टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ही यही होता है कि जो फैमिली से दूर जाके एक अलग फैमिली बनाते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में छोटी फैमिली होती है, उसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे ही साथ में रहते हैं, अंकल आंटी और दादाजी दादी जी ये उनके साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, इसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसे कहते हैं बिग फैमिली यानी बड़ी फैमिली। ये होती है छोटी फैमिली और जो जॉइंट फैमिली होती है वो होती है बड़ी फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बनाने के लिए यानी लोग किस वजह से न्यूक्लियर फैमिली को कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी जॉइंट फैमिली से दूर जाके न्यूक्लियर फैमिली बना रहे, इसके भी बहुत से अलग अलग रीजंस है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है इसलिए वो न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। चलिए आते हैं देखते हैं कि क्या रीजन है न्यूक्लियर फैमिली बनाने के लिए। न्यूक्लियर फैमिली बनने के कितने रीजंस है, यानी हम न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली में क्यों जा रहे हैं, इसके रीजंस होते हैं। देखिए, इन सर्च ऑफ वर्क, जैसे लोग गांवों में जॉइंट फैमिली में रहते तो है पर वो उनमें क्या काम करें, सब एक साथ खेती करते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं आते कि वो घर का काम कर सके, घर के लोगों को सारी चीजें अफोर्ड कर सके, इसलिए वो बाहर जाते हैं शहरों में कमाने के लिए। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कोई घर में रहता है तो खेती तो दो जन भी कर सकते हैं यानी या फिर चार जन मिलके भी कर सकते हैं, इसलिए वे दो जन तो खेती करते हैं और दो जो होते हैं वो कमाने जाते हैं। इसी तरीके से उनके सारे जो घर के खर्च होते हैं वो कम्प्लीटली हो जाते हैं। सेकेंड है हायर एजुकेशन, जो गांवों में और छोटी छोटी सिटी में रहते हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन यानी बड़ी बड़ी जो कोचिंग क्लासेस और अच्छे एजुकेशन की फील्ड वो सब नहीं होती है, वो वहाँ पे उनको नहीं मिल पाती, इसलिए वो शहरों की साइड जाते हैं और एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब है कि पैसों की कमी, यानी जैसे फैमिली में किसी की वजह से जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, इसी वजह से सारी खेती नष्ट हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे अपना घर का गुजारा करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए वो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी अपने घर की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए भी बाहर जाते हैं, सिटीज सी साइड जाते हैं और एक न्यूक्लियर फैमिली कन्वर्ट करने का एक और रीजन बन जाता है। उसके बाद है एजुकेशन, एजुकेशन यानी जैसे बच्चों को है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होती है, अच्छी कोचिंग नहीं होती है, वो इसीलिए बाहर जाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी अपनी रोजगार, आप कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, रोजगार यानी गाँव में बहुत अच्छी सी सुविधा नहीं होती है, जैसे कि कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा है पर उसके लिए गांव में अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती है जिसमें वो काम कर सके, उसके लेवल का जो काम होता है वो वहां पे नहीं मिलता है, उनको उसकी वेतन उतनी नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाहर जाके कमाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन है कैपेसिटी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती है, क्योंकि लोगों के पास इतनी इनकम नहीं हो पाती कि वो अपनी सारी जॉइंट फैमिली को
सिटी साइड ले जाए और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके, इसलिए वे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। उन टुकड़ों में जो डिवाइड होते हैं उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो लोगों को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी सारी जॉइंट फैमिली को बॉम्बे साइड या फिर किसी सिटी साइड ले जा सके, ठीक है। और जैसे उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, वहाँ पे सिटियों में जो घर रेंट पे मिलता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए वहाँ छोटे से छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली के बारे में, जॉइंट फैमिली यानी क्या होती है? जॉइंट फैमिली यानी इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स, कौन कौन उस मेंबर्स में? ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अंकल, आंटी, फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रेन लिव विद ईच अदर। यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो बहुत बड़ी फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में ग्रैंडपा, ग्रैंडमा यानी दादाजी, दादी जी, यहाँ तक कि पर दादाजी और पर दादी जी होते हैं वो भी साथ में रहते हैं, अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं, मम्मी पापा भी और हम बच्चे भी साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि लोगों के पास बड़े बड़े घर होते थे, खेती होती थी, काम होता था जो वो आराम से साथ में मिलके करते थे। पर आज के टाइम पे न्यू जनरेशन साथ में रहना कम पसंद करती है, वो चाहती है कि हम फ्री रहे, इसलिए वो बाहर जाती है, कमाती है, न्यूक्लियर फैमिली बनाती है, यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे वो सब मिलके साथ रहते हैं। और जब छुट्टियां पड़ती है, हॉलीडेज होते हैं, तब वे अपने घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहते हैं अरे मैं तो मेरे दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, मैं मेरी नानी से मिलने जा रहा हूँ, इसी तरीके से वो मिलने जाते हैं। और जॉइंट फैमिली उस टाइम पे सब साथ मिलके रहते थे, ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना सब एक साथ रह के ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जॉइंट फैमिली कन्वर्ट न्यूक्लियर फैमिली में हो गई है। जॉइंट फैमिली ये एक बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली यानी बहुत सा बड़ा घर होता था। हमने टीवी में और इसमें देखा है कि पहले के जो सीन दिखाते थे उसमें बहुत बड़ा घर होता था, उसमें बहुत से लोग रहते थे साथ में, और आसपास वाले भी इस तरीके से रहते थे जैसे कि वो सब उसी फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे दादाजी के फ्रेंड्स आ जाते थे, दादी जी की फ्रेंड्स आती थी, वो आपस में बैठ के बातें करते थे, मम्मी के आते थे, पापा के, इसी तरीके से मिल के वो एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता था। जॉइंट फैमिली ये बहुत बड़ी फैमिली होती है, इसका ये सब एक साथ रह सकते हैं, इसी के कहते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में आपको तो पता तो चल ही गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे जॉर्ज ग्रिगर मेंडल, यानी कि एक आइए अब हम पढ़ेंगे ग्रिगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रिगर जॉन मेंडल ये एक कौन है? He is known as the father of genetic, यानी कि वो genetic के father कहे गए थे। Genetic मतलब क्या होता है आगे बताते हैं। The physical characteristics are inherited in the children from their parents and the grandparents. This character are known as heritage. यानी genetic मतलब क्या होता है? जो आदतें हमें हमारे माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से मिलते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक। यानी कभी होता है ऐसा कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी आंखें होती है वो उसके पापा जैसी होती है। कहते हैं ना लोग, दादी सा कहते हैं कि दादी जी या दादाजी कहते हैं अरे इसकी नाक तो उसके मेरे बेटे जैसी है, इसके होठ इसकी मम्मी जैसे है, सब अपनी अपनी बताते हैं कि कौन किसके जैसा है, उसे कहते हैं हम जेनेटिक। यानी कि मदर फादर या फिर नाना नानी, दादा दादी, बुआ, किसी से भी हमारी जो मेल मिलाप होता है, हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक। इसमें सिर्फ शक्ल या आईज, फिंगर्स, इसी पे डिपेंड नहीं करता, हमारा जो नेचर होता है वो भी उनके हिसाब से हो जाता है। अगर किसी के मदर फादर है वो बहुत जोर से बोलते हैं तो वो बच्चा भी जोर से बोलेगा। जैसे कोई मम्मी पापा होते हैं वो धीरे बोलते हैं तो वो धीरे बोलेगा। मम्मी पापा ऐसे सोचने में
इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो उनके बच्चों में भी ये आदत आ सकती है, उसे ही कहते हैं जेनेटिक। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन, यानी मम्मी पापा या किसी भी गार्जियन का जो आदतें या नेचर या फिर कहो के बॉडी कंस्ट्रक्शन किसी में भी फ्रॉम देयर पार्ट्स पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स दिस कैरेक्टर आर नोन एज हेरिटेज, यानी किसी भी तरीके का दूसरों की आदतें हमारे में आना, दूसरे यानी हमारे जो रिलेटिव्स है यानी मम्मी पापा दादाजी दादी जी बुआ जी नाना जी नानी जी मामा जी मासी जी, ये जो भी होते हैं इनकी कोई ना कोई आदत हमारे बच्चों में आ ही जाती है, इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक। जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे इन्हें ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि इन्होंने ही इस चीज को ढूंढ निकाला है और इनके बारे में बताया है कि इसे हम जेनेटिक कहते हैं। बाकी पहले लोगों को पता नहीं था कि जेनेटिक यानी क्या होता है। जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे उन्होंने सारी रिसर्च की, उन्होंने एक पी प्लांट पे रिसर्च की और इस बात को बताया कि जेनेटिक मतलब क्या होता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। देखा कि ग्रीगर जॉन मेंडल इन्होंने क्या था, वो फादर थे किसके, जेनेटिक के। उसके बाद है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भी उसी फील्ड में जेनेटिक फील्ड में ही आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया, ही रोट सेवरल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड फ्रॉम जेनेटिक कोड, यानी उन्होंने उसके बारे में और डिटेल में स्टडी की और उसके बारे में और डिटेल में हमें बताया। और जेनेटिक में सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, बोलने का तरीका होता है, चलने का तरीका होता है, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो ग्रीगर जॉन मेंडल के बाद में इन्होंने और अच्छी तरीके से हमें बताया और समझाया है। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, इनके इतने अच्छे काम करने की वजह से इन्हें नोबल प्राइज मिला है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे उन्होंने हमें जेनेटिक के बारे में तो बता दिया, यानी कि वो फादर तो बन गए जेनेटिक के, पर जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे इन्होंने उन्हीं के रिसर्च को और आगे बढ़ा के बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि जेनेटिक क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे समझते हैं। जेनेटिक यानी कि पूरी तरीके से जो अपने पैरेंटल या मैटरनल की तरफ से हमें मिलता है, पैटर्नल या मैटर्नल की तरफ से, उसे हम कहते हैं जेनेटिक। उसमें हर चीज की आदत आ सकती है, जैसे बोलना, आंखें बंद चालू करना, चलना, हंसना, इस तरीके की बहुत सी चीजें होती है जो इस वर्ड जेनेटिक में आती है। इसे हेरिडिटरी भी कहते हैं, यानी कभी कभी कोई बीमारी अगर उसकी मम्मी को होती है तो उस वो कन्वर्ट होके यानी बच्चों के पास भी आ सकती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो मम्मी से ही बच्चों में आती है, इसे भी हेरिडिटरी कहते हैं। कभी कभी कोई पेरेंट्स जैसे अंकल होते हैं उनके बाल चले जाते हैं तो उनके बच्चों में भी ये हो सकता है। किसी किसी बच्चों को पेरेंट्स को वाइट स्पॉट्स होते हैं जो फेस पे और बॉडी पे होते हैं, वो उनके बच्चों में भी जा सकते हैं। और चलने की आदत है, भूलने की आदत है, इस तरीके की बहुत सी ऐसी आदतें होती है जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में कन्वर्ट होती है जाती है। ठीक है, अब हम इसके आगे सीखेंगे एडॉप्शन के बारे में, समझेंगे कि एडॉप्शन क्या होता है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से चलिए टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है किसी भी बच्चे को गोद लेना, एडॉप्शन यानी गोद लेना। अगर किसी के जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी अनाथ आश्रम या अपने कोई रिलेटिव होते हैं उनके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट यानी प्रॉपरली फाइल वर्क होके वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उन्हें सारी फैसिलिटीज देते हैं, यानी रहना, सोना, उठना, खाना पीना, उनकी एजुकेशन, उनके कपड़े, उनकी सारी जो ज़रूरतें होती है वो पूरी करते हैं। एडॉप्शन यानी लीगली हम उस बच्चे को गोद ले रहे हैं,
ऐसे ही गोद लेंगे तो कल उठ के आप कह सकते हो नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, या फिर जिसने आपको वो बच्चा दिया है वो कह सकता है कि नहीं ये तो मेरा बच्चा है। इसीलिए जो एडॉप्शन होता है वो लीगली हम गोद लेते हैं किसी भी बच्चे को। एडॉप्शन यानी बहुत अच्छी चीज है। जैसे किसी पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते रहते हैं और वो किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उस बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से सुधर जाती है, उसे माँ बाप मिल जाते हैं और उन माँ बाप को यानी पेरेंट्स को एक बच्चा मिल जाता है जिसकी वो सारी केयर कर सकते हैं और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके साथ पूरी कर सकते हैं, जैसे उसे पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, उसकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन कराना, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे से अच्छी सारी फैसिलिटीज उनको देना चाहते हैं। इसे ही हम कहते हैं एडॉप्शन, यानी लीगली किसी बच्चे को एडॉप्ट करना ही जरूरी है। एडॉप्शन पूरी तरीके से तब होता है जब उसे लीगली किया जाए, यानी कि सारे फाइल वर्क के साथ किया जाए तो उसे कहते हैं एडॉप्शन, गोद लेना। किसी बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी इस एडॉप्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, आइए जैसे आपके क्लास फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट इसके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के लिए। For watching this video, please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan and please like our Facebook page. Thank you.